नमस्कार, मैं हूं भावना चंद भारत न्यूज टीवी से, और आज आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पंजाब में बाढ़ को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं बाढ़ को लेकर सूबा सरकार भी फेल होती साबित हो रही है। अगर बात करें फिरोजपुर की, तो फिरोजपुर के कई गांव बाढ़ के पानी के साथ घिर चुके हैं और लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, परंतु अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन लोगों की सार लेने नहीं पहुंचा। जबकि फिरोजपुर हलके से अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल एमपी हैं, परंतु लोगों का कहना है अभी तक सुखबीर बादल बाढ़ पीड़ितों के पास नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि फिरोजपुर के पाकिस्तान सरहद के साथ लगते कई गांवों में सतलुज दरिया का पानी घुस चुका है, जिसके साथ जहां लोगों का घरों में रहना मुश्किल हुआ है, वहीं किसानों की कई एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है और लोग अपने घर छोड़ दरियाई कंडे पर आ बैठे हैं, और किसानों के एक बार फिर चिंता की लकीरें माथे पर साफ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरी बार अपने बच्चों की तरह पाली फसलों को पानी में डूबते देखा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बाढ़ के कारण उनका जितना भी नुकसान हुआ है उनको उतना मुआवजा दिया जाए।